आगमन हो गया है, हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने माननीय मुख्य अतिथि श्रीओं का भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे कर्मठ हैं इसके सेवक, मेहनत है इनका नारा। सबको ये सहारा, NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। ऊर्जा संरक्षण करते हैं, बनाते जल से बिजली, प्रदूषण हम बचाते दे करके स्वच्छ बिजली। हर गांव हर शहर में गूंजे है नाम हमारा, NHPC से रोशन रोशन है भारत सारा। हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी स्मृति को याद करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि श्री मुकुल कानिटकर जी, आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय जी, निदेशक तकनीकी व SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री नारायण सिंह जी से कि इन महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ज्योति प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। ओके सर, थैंक यू सर। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट महोदय एवं प्रेसिडेंट। मैं अनुरोध करूंगी हमारे
माननीय सीएमडी सर से कि इस अवसर पर बाबा साहेब के कार्यों पर आधारित पुस्तकें भी मुख्य अतिथि महोदय को भेंट कर उनका अभिनंदन कर। अब मैं हमारे परम आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय सीएमडी सर से पूरे आदर के सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ कि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आशीर्वचन से हमें शुरुआत करें। भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय सह प्रचारक प्रमुख श्री आनंद अग्रवाल जी, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय सह कोच प्रमुख श्री देवेंद्र पवार जी, भारतीय शिक्षण मंडल के हरियाणा प्रांत मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, विधि विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, सभागार में उपस्थिति हमारे एनएचपीसी के निदेशकगण, वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े एनएचपीसी बोर्ड के मेरे सहयोगीगण, आदरणीय महिलाएं, कानिटकर साहब से हमारी अभी एक महीने पहले मुलाकात हुई थी और हम लोग करीब 40 मिनट का एक घंटा पास बैठे थे, काफ़ी चर्चा हुई। तो मेरे पास गंभीर जी पर सब लोग आए कि प्रोटीन्स को करना है अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम, तो किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाया जाए जो एक हम सबका मार्गदर्शन करें। तो मुझे कानिकर जिससे मिलने के बाद लगा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा कि इस अवसर पर आपको बुलाया जाए। नागपुर में थे, दो तीन दिन आगे पीछे कोई प्रोग्राम हो रहा था, बट फाइनली हुआ। इसके लिए हम लोग भी अरुणाचल गए थे, कुछ बारिश की वजह से कहीं एक आध नहीं जा पाए, कोशिश की गई कि उसको छोड़ के हम बीच में आए कि कार्यक्रम में हम लोग रहें। कानिकर साहब के व्यक्तित्व से आपसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग वाकिफ होंगे, मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य समाज में नई ऊर्जा भर रहे हैं। कानिटकर साहब ने शिक्षा के स्वदेशी मॉडल को विकसित करने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन भर कार्य किया है, करते जा रहे हैं। कानिटकर साहब ने IIT दिल्ली, IIT रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय वडोदरा आदि में व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान पर कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा देश के नवयुवकों में हमारी समृद्ध विरासत के प्रति नई चेतना और जागृत लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। भारत समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की महत्ता पर बल देने वाले बहुत सी पुस्तकों के लेखक और एक कुशल वक्ता श्री कानिटकर जी ने शिक्षा नीति में राष्ट्रवादी चरित्र के विचार को बढ़ावा दिया है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन में और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में श्री कानिटकर जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च के उपेक्षित और इंडक्टेड बल के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं। आप सभी को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक बधाई। मुझे खुशी है कि आज के इस जीता जागता उदाहरण बाबा साहब के जीवन में हम सभी परिचित हैं, पर कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके संबंध में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने 64 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उस समय में व्याप्त कई सामाजिक कुरीतियों की और वित्तीय बाधाओं के मध्य उनकी ये उपलब्धियाँ अतुलनीय हैं। बाबा साहब ने रिवर वैली में मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर जोर दिया। बाबा साहब ने टेंसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर दामोदर रिवर वैली को डेवलप करने का आइडिया दिया। दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं और हीराकंड कुंड बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनकी दूरदर्शिता के स्मारक हैं। इन शब्दों को इसलिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हम इसी काम में जुड़े हुए हैं। जो हमारा लक्ष्य है भारत में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम बनाना, वाटर सिक्योरिटी के काम करना और पानी से ग्रीन
क्लीन एनर्जी बनाने की जो हमारी कमिटमेंट है, तो इन शब्दों को हमारे इसलिए बताना चाहे कि ये सब सपना बाबा साहब का भी था। बाबा साहब निस्संदेह आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहब ने देश पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके विचारों और दर्शन के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है तथा सामाजिक आर्थिक नीतियों को देखने के हमारे नजरिए को आधुनिक तथा न्याय संगत बनाया है। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, सम्मान और आत्मविश्वास की उम्मीद जगाई और उन्हें अपने सपनों को पूर्ण करने का साहस दिलाया। बाबा साहब ने किसी न किसी रूप में हर भारतीय के जीवन को छुआ है और आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। बाबा साहब का देश के प्रगति में योगदान सामाजिक समानता और न्याय लाने तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु स्वतंत्र भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर और भारतीय संविधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा है। हमारे संविधान के इस महान वास्तुकार ने ऐसे संविधान की रचना की जो सभी को धर्म जात के भेदभाव के बिना समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज के इस कठिन दौर में हमें बाबा साहब के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि सिंगल माइंडेड डेडिकेशन से हम बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे निगम के समक्ष भी कई अवसर उपलब्ध हैं और हम सब अगर फोकस होकर गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कार्य करें तो एक शानदार भविष्य हमारे स्वयं के हाथ में है। इस वित्तीय वर्ष में 2000 मेगावाट की शुरुआत से 800 मेगावाट की पावर की परियोजना को कमीशन करना है और हम सबको इस ध्येय को हासिल करने के लिए मिलकर बाबा साहब के बारे में बहुत सारे बातें हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सब बाबा साहब के व्यक्तिगत और कृतित्व के बारे में पढ़ें और जानें, उनके महान व्यक्तित्व संघर्षों और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर यदि आप हम आगे बढ़े तो निश्चित एक सुनिश्चित संगठित और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं चूंकि यहाँ पे कनेक्टर भी आए हैं तो आप भी कुछ लोग हैं जो बाकी चीजों में करते हैं, लेकिन मैं अपने इस कॉर्पोरेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि 1975 7 नंबर को देश के दो बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर की जन्म हुई, जिसमें एक हाइड्रो के लिए NHPC रहा और थर्मल के लिए NTPC रहा। अगर देखें तो हमने पूरे देश में करीब 24 प्रोजेक्ट बनाए हैं जो ऑपरेशंस में हैं, उनकी क्षमता 7000 मेगावाट है, बट ये सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इससे में करीब 6000 मेगावाट पे काम चल रहे हैं, जो कि अभी इसी फाइनेंशियल से लेकर के फरवरी 26 तक ये सारे पूरे हो जाएंगे। हमारी क्षमता डबल होने हो जाएगी अगले 4 वर्षों में और इतने ही करीब 5-6000 मेगावाट पे जल्दी से काम शुरू करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, जो एक हर साल एक एक किस्त में शुरू होते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ी परियोजना जो अभी तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी 10000 मेगावाट का कोई बना सकता है, सियांग रिवर पे बिल्कुल चाइना बॉर्डर से, जिसे हम नीचे जाके ब्रह्मपुत्र कहते हैं, 1600 किलोमीटर लंबी नदी है और उस नदी में जो पानी आता है वो 75% पानी अपने इंडियन रीजन में होता है। उस पानी को रोक करके डैम बनाना है और उस पर कार्य करना है, उसी सिलसिले में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है और उसी सिलसिले में हम लोग अभी अरुणाचल से गए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको हम करने जा रहे हैं। तो जो भी NHPC 2000 मेगावाट के शुभांशनी प्रोजेक्ट है, ये कई वर्षों तक जो हमारे देश में NGO कराता है जिसको कुछ पता नहीं होता है और छोटी छोटी बातों को कितना हाइप कर देते हैं मीडिया से कि कहीं 9.5 साल काम बन रहा, तो बेसिकली ये लोग देशद्रोही की कैटेगरी में रखना चाहिए। इन्होंने 9.5 साल बंद करा, फिर जजमेंट आया मुझे जो तो जो 9.5 साल खराब हुए उसकी कीमत 6000 करोड़ से 20000 करोड़ होगी, पब्लिक मनी से बनती है, तो आगे भविष्य में इस तरह चीज़ें ना हो उस पर भी बहुत गंभीरता से सबको सोचने की जरूरत है। तो 2000 पूरा करने जा रहे हैं, 2928-80 मेगावाट की बगल में ही दिवांग परियोजना है, इसकी अब शायद हम जून से पहले फिजिकली काम ग्राउंड पर शुरू कर रहे हैं।
और सियान करीब से बात करें और सारी बहुत परियोजनाएं हैं। तो हाइड्रो पावर में बड़ी ही एक हमारी जो कॉर्पोरेशन है बहुत मेच्योर्ड है, 45-46 साल पुरानी हो चुकी है। हमें हाइड्रो के बारे में दुनिया में पीछे से कम नहीं है, हर तरह की चैलेंजेस को फेस करते हैं, डिजाइन करते हैं, काम करते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। और जैसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरा एक मिनी इंडिया है, आपको देश के हर कोने से यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे और एक भाव हो करके मिलके काम करते हैं। ये हमारी परियोजनाओं की है। हम गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं, करीब 1500 से 1600 करोड़ हम डिविडेंड देते हैं, 3000 करोड़ से ऊपर जो प्रॉफिट है, पिछले साल 3233 करोड़ थी। और जितनी परियोजनाएं जुड़ती जाएगी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस समय करीब करीब हम लोग 50-60 हज़ार मेगावाट की परियोजनाओं को कुछ एग्जामिन कर रहे हैं, तो कुछ प्री फिजिबिलिटी बना रहे हैं। तो जितना रिसोर्स हमारे पास है, जितना सूर्य की रोशनी को सोलर से हम लेने जा रहे हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है आपका, उसी तरफ नदियों के जो पानी भरी है, इस पानी को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जाए, रिमोट एरिया में हम किस तरह विकास कर सके लोगों का और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। हम कहते हैं कि गांव शहर तक नहीं पहुंचे, गांव के शहर बनाया जाए। तो यानी किसी जहां जाते हैं वहां गांव शहर में जाते हैं, टाउन में जाते हैं। ये पावर सेक्टर की किसी भी जो दूसरे तरफ की जो ऊर्जा है उसमें ये क्षमता नहीं करने के, हम उसमें जुड़े हुए हैं, परिवार से दूर रहते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारी NHPC है, हम उस पर ज़्यादा और नहीं चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पे जो आज का कार्यक्रम है, माननीय मुकुल जी अपने विचारों पर रखें और निश्चित रूप से आप जब सारे जो जुड़े हैं सुनेंगे तो लगेगा कि आपको एक अच्छा विचार मिला। और मैं चाहूँगा अगर इसमें हम 10% 20% भी अपनाने में कोशिश कर पाएंगे तो शायद अपने जीवन को बहुत हम सफल मानेंगे और निश्चित रूप से हम उस चीज को राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र भावना के साथ आगे बढ़ने में हमारे लिए मदद मिलेगी। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम की शोभा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मुकुल कानिटकर जी से है। सर, वैसे तो आपके प्रखर व्यक्तित्व परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं संक्षेप में आपका परिचय देना चाहूंगी। आपने 1990 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज नागपुर से विधि स्नातक LLB की शिक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात से राष्ट्रीय सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1990 से 2012 तक आपकी जीवन वृत्ति विवेकानंद कन्याकुमारी में रही। सर, आप भारतीय शिक्षा मंडल से 2012 से जुड़े हुए हैं तथा 2016 से अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2007 में आप मध्य प्रदेश राज्य योग परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आपके जीवन काल में आपने कुछ विशेष उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में 2007 से प्रति वर्ष 12 जनवरी को करोड़ों छात्रों के सामूहिक सूर्य नमस्कार के संचालक रह चुके हैं। आपने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ग्वालियर के तत्वाधान में 2004 में लगभग 16,000 व 2005 में लगभग 30,000 छात्रों द्वारा सबसे बड़ी सामूहिक योग कक्षा का विश्व विक्रम बनाया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित है। मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि सर कृपया अपने वक्तव्य से सभागार को कृतार्थ करें। धन्यवाद इतने अच्छे परिचय के लिए। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अभय कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मंजा सिंह नारायण सिंह जी, सम्मुख उपस्थित सभी निदेशक वृंद NHPC के, आदरणीय बहने मातृशक्ति और बंधुओं, वेबलिंग से भी जो लोग सुन रहे हैं उन सबको भी सादर प्रणाम। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर के जयंती के उत्सव के अंतर्गत अपन इस कार्य को कर रहे हैं और आप सब लोग जो जल विद्युत से जुड़े हैं, यानी 5 महाभूतों में से 3 के ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ता है। अग्नि तत्व है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस अग्नि तत्व को आप जल से निकालते हैं और पृथ्वी का भी जियोलॉजी का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, तो इससे 3 तत्वों का तो काम आप कर ही रहे हैं और सोलर और वायु पर भी आप काम करना शुरू कर दिया, तो 5 महाभूतों के ऊपर आप काम कर रहे हैं।
जुड़े हुए लोगों के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यक्तित्व की चर्चा करना बहुत औचित्यपूर्ण इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का व्यक्तित्व भी उतना ही महान है, उतना ही जागतिक है। जब कभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी एक समाज के साथ जोड़ करके देखने का विषय निकलता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अन्याय किसी महापुरुष के साथ में। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में केवल एक भारतीय की मूर्ति लगी हुई है और वो भारतीय है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और वह मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सर्वोत्तम छात्र के रूप में लगी है। उस वर्ष के वो सर्वोत्तम छात्र थे, उसका पुरस्कार उनको मिला था जब उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल की थी, अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की थी, और उस अर्थशास्त्र में भी उस मुक्त अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात की थी जो भारत 1991 में जाकर के हमने उसको स्वीकार किया, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1920 के दशक में जिसके ऊपर और प्रबंध लिखा। इसलिए विश्व के अर्थशास्त्र को दिशा देने वाला विचार 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व जो जगत ने 90 के दशक में WTO के बाद में स्वीकार किया, मुक्त अर्थव्यवस्था को, बाजार की अर्थव्यवस्था को, फ्री एंटरप्राइज की अर्थव्यवस्था को, उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 70 वर्ष पूर्व, यानी कितना दृष्टा व्यक्ति होगा, कितनी आगे की उनकी सोच होगी, ऐसे जागतिक दृष्टि के महान व्यक्तित्व को केवल किसी एक वर्ग जाति समाज के साथ जोड़ करके देखना यह इस देश की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए वो सच्चे अर्थ में भारत रत्न है, इसलिए प्रत्येक भारतीय को उनके जीवन का अध्ययन करना चाहिए। यह मैं आज के दिन महत्वपूर्ण तरीके से आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल सामाजिक समरसता की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो उनके जीवन का एक मुख्य अंग अवश्य है, क्योंकि उन्होंने जिस समाज में से वो निकले थे उसको उन्होंने बुलाया है, जैसा कि सामान्यता होता है गांव से निकलता है व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करता है। हम अक्सर शिक्षा क्षेत्र की बात करते समय कहते हैं कि प्राइमरी पास कर देता है तो गांव छूट जाता है, और मिडिल पास कर देता है तो तहसील छूट जाती है, और यदि वो बारहवीं कर लेता है तो जिला छूट जाता है, और कोई बहुत बड़ा IIT में एडमिशन हो जाए तो देश छूट जाता है। यानी जितना उच्च शिक्षित हो उतना अपनी जड़ों से कटता जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया 64 विषयों में मास्टर्स करने वाले शिक्षाविद उस समय इतनी कठिन परिस्थिति में जिनकी पढ़ाई हुई, उस कठिनाई के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, किंतु उसके बाद में इतनी विद्वत्तापूर्ण और इतना महत्वपूर्ण अध्ययन करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जड़ों को नहीं भूले, अपने परिवार को नहीं भूले, अपने समाज को नहीं भूले, ये उनकी विशेषता है, इसलिए समाज के साथ जोड़ करके उनको देखा जाता है, किंतु उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। शिक्षाविद थे, विधि तज्ञ थे, कानूनविद थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, और उस विधि मंत्री के नाते संविधान की जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्ट समिति थी, संविधान को लिखने का जिनके ऊपर दायित्व था, वो 13 लोगों की समिति के अध्यक्ष थे, और इस कारण हम उनको संविधान निर्माता कहते हैं। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खुद के संविधान के बारे में जो विचार है, जो उन्होंने संविधान को समर्पित करते समय व्यक्त किए, वो बड़े विचित्र है। उन्होंने कहा संविधान केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यदि इसके ऊपर पालन नहीं किया जाए तो यह संविधान सबसे विध्वंसक संविधान भी हो सकता है। यहां तक कि उन्होंने, और ऐसे इधर उधर आवेश में दिए गए भाषणों में नहीं है, उन्होंने सोच समझ कर लिखे हुए पत्र में कहा, यदि अवसर मिले तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को फैला दू। ये कहने वाले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, और संविधान सभा की डिबेट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को जो 12 घंटों में उपलब्ध है, और अभी तो नेट पर उपलब्ध है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगी पूरी की पूरी, एक एक अनुच्छेद के ऊपर हुई डिबेट को यदि आप पढ़ेंगे और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को यदि आप देखेंगे, तो कई बार लगता है उन अल्पमत लोगों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने उस समय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में आशंकाएं व्यक्त की थी, इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अन्यथा देश में क्या होगा,
और आज 70 साल होने के बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय जो चेतावनी दी थी वो चेतावनी आज हमारे सामने। जैसे राजभाषा की बात, राजभाषा को लेकर के हिंदी अंग्रेजी के बीच में बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था और अंत तो कॉम्प्रोमाइज हुआ और 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी चलने दी जाए ऐसी बात संविधान में लिखी है 15 वर्ष तक, और उसके बाद में अमेंड नहीं हुआ है, इसलिए 15 वर्ष के बाद में अंग्रेजी का उपयोग करना असंवैधानिक है संविधान के अनुसार। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस डिबेट में यदि आप विचार पढ़ेंगे और मनुस्मृति को जलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो सनातन धर्म की विकृतियों के बारे में स्पष्टता से घनाघाती और अत्यंत स्पष्ट तौर पर और आघात करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, किंतु संविधान में राजभाषा पर होने वाली चर्चा में उन्होंने कहा यदि इस देश की राष्ट्रभाषा होने का किसी को अधिकार है तो वह संस्कृत को अधिकार है, इसलिए संस्कृत को भारत की राजभाषा होना चाहिए, यह प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में रखा है। यह उनके मतलब हृदय की विशालता को भी दिखाता है, ओपन माइंड जिसको हम कहते हैं, मुक्त हृदय से और जिसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, जिसको आगमनवाद ब्राह्मणवाद इस प्रकार के नाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शब्द नहीं प्रयोग किए, उन्होंने उन सारी कुरीतियों को हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में स्पष्ट विचार रखे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने समाज को यह भी कहा कि मूल ग्रंथों को पढ़े बिना उनके बारे में टिप्पणी ना की जाए, और इसके लिए जैसे आपने कहा संस्कृत और पाली के भी वह विद्वान थे, इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले उन्होंने बुद्ध के समस्त और ग्रंथों का अध्ययन किया, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने मृत्यु से पूर्व का अंतिम ग्रंथ जो है जिसकी पांडुलिपि लिख करके दोपहर तक उसके अंतिम पृष्ठ को लिखते हुए और शाम को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 1956 दिसंबर में, वह 6 दिसंबर 1956 में, उस दिन भी अंतिम वाक्य जो उन्होंने लिखा है बुद्ध और उसका धम्म इस पुस्तक को लिखते हुए उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा था। तो पाली का अध्ययन उन्होंने बुद्ध धर्म के और सारे धम्म के सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए किया, किंतु संस्कृत का भी अध्ययन किया ताकि सनातन धर्म के भी सभी शास्त्र उन्होंने पढ़े, और 1936 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैंने जन्म भले हिंदू धर्म में लिया हो किंतु मैं मरूंगा नहीं, किंतु अपने आजीवन वो सनातनी और हिंदू ही रहे, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में बुद्ध धर्म स्वीकार किया और दिसंबर में उनकी मृत्यु हुई, यानी बुद्ध धर्म में तो वो केवल 3-4 महीने ही रहे, और इसलिए उन्होंने उसका अध्ययन किया, इसलिए संस्कृत के प्रति उनका लगाव इतना था कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, और उससे राष्ट्रीय एकात्मता को गति मिलेगी। उनके शब्द है संविधान सभा की डिबेट में, उनके शब्द है अंग्रेजी में वो बोल रहे थे और अंग्रेजी में उनके शब्द है, नेशनल इंटीग्रेशन इज अल्टीमेटली द इमोशनल इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट्स, हृदयों की एकात्मता भावनात्मक एकात्मता से ही राष्ट्रीय एकात्मता आ सकती है, और वह करने के लिए सारे भारत को जोड़ना है, उत्तर दक्षिण का भेद मिटाना है, अंग्रेजों की यह भेदकारी प्रवृत्ति के ऊपर उठना है, तो संस्कृत को राजभाषा बनाया जाना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। यह भी हम सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अल्प ज्ञात बातें मैं जानबूझ करके आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के व्यक्तित्व तो केवल एकांगी रूप से देखने का एक बहुत बड़ा दोष हमारे समाज में है, और उसके कारण सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अध्ययन नहीं करते, इसलिए ये बातें मैं बता रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कम जानकारी है। जिस समय संविधान बन रहा था और संविधान बनने से पहले 1946 से भारत के स्वतंत्र होने के बाद क्या होगा उसकी तैयारियां चल रही थी, जब ध्वज समिति बनी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए, भारत के राष्ट्र ध्वज को लेकर के जो समिति बनी, जिस समिति के सामने अनेक अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के और अपने ध्वज प्रस्तुत किए, मैडम विकाजी कामाका द्वारा बनाया हुआ ध्वज भी प्रस्तुत हुआ था, अरविंद आश्रम की तरफ से वज्रदंड वाला ध्वज भी प्रस्तुत हुआ था और कांग्रेस की तरफ से तिरंगा ध्वज भी प्रस्तुत हुआ था, उस समय उस ध्वज समिति के सम्मुख भगवा ध्वज भारत का राष्ट्र ध्वज होना चाहिए यह प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने भगवे ध्वज को और ध्वज समिति के सामने प्रस्तुत किया। ये ऐसे अनेक तथ्य हैं जो डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर के विराट व्यक्तित्व के बारे में हमको और जानकारी आज के समय में नहीं है। 17 खंडों में उनका समग्र साहित्य, कितना लेखन किया हुआ। सयाजीराव गायकवाड़ जब उनको वहां बड़ौदा लेकर के गए और वहां पर उनको पहले विधि का, फिर अर्थशास्त्र का और फिर फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना करके वहां प्रोफेसर के रूप में उनसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वहां पर काम किया, उस समय उन्होंने कितने पीएचडी को गाइड किया और उसमें कितने विविध प्रकार के विषय है। मैं जब महाराष्ट्र सयाजीराव यूनिवर्सिटी में बार बार जाना हुआ तो वहां अनेक महापुरुष, महर्षि अरविंद भी वहां पर फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। हमने वहां पर अंबेडकर चेयर की स्थापना की। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जिन विषयों पर पीएचडी करवाई है उन विषयों पर विशेष अध्ययन का केंद्र एमएसयू में खड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ा उनका व्यक्तित्व है, इतनी अनेक बातें। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने केवल एक छोटी सी बात बताई, किंतु उनको अर्थमंत्री बनाया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए पहली मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, इस प्रकार का प्रस्ताव सरदार पटेल और अनेक लोगों ने नेहरू जी के सामने रखा था। किंतु जब नेहरू जी ने उनके तीन लेख पढ़े, भारत की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, अभी आप जब एनएचपीसी के बड़े बड़े दामोदर वैली और उसकी बात कर रहे थे, तब मुझे वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वो तीन लेख जो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने लिखे। महात्मा गांधी को स्वदेशी के बारे में उन्होंने तीन पत्र लिखे। महात्मा गांधी का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बड़ा विस्तृत और पत्राचार है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में घोषणा की कि मैं येवला के महापरिषद में, पुणे के पास में येवला नाम का एक स्थान है, वहां पर महापरिषद के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, मत परिवर्तन करूंगा। उसके बाद में महात्मा गांधी और सावरकर बड़े चिंतित हुए और उन्होंने बहुत सारे पत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लिखे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगभग सभी पत्रों के उत्तर दिए। वो एक त्रिकोण है पत्रों का, धनंजय कीर नाम के लेखक ने तीनों की जीवनी लिखी है। सावरकर की भी जीवनी लिखी है, गांधी जी की भी जीवनी लिखी है और अम्बेडकर जी की भी जीवनी लिखी है। अम्बेडकर जी के पर इतना विस्तृत अध्ययन करके जीवनी लिखने वाले पहले व्यक्ति अंग्रेजी में लिखी धनंजय कीर ने, मराठी में भी और हिंदी में भी उपलब्ध है। वह जीवनी में उन्होंने इस पत्राचार के बारे में विस्तार से दिया है। और मैं जब बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, तब तीसरे थर्ड ईयर में, मतलब 1987 में, मैंने इस विषय पर एक प्रबंध लिख करके उसकी प्रस्तुति की थी, जिसमें मुझे पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर बाबा साहेब के अम्बेडकर के धर्मांतरण के बारे में सावरकर के विचार, और उस समय इस पत्राचार में मैंने गहन अध्ययन किया और उस पत्रों में, गांधी जी को लिखे हुए पत्रों में, स्वदेशी की जो परिभाषा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए, वो आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो परिभाषा है। आत्म केंद्रित नहीं होना, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ सस्टेन्ड नहीं, सेल्फ रिलायंट, इन शब्दों के बीच का भेद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा गांधी को लिख करके भेज रहे हैं। और वो कह रहे हैं चरखा चलाने वाली स्वदेशी नहीं चलेगी, उद्योग बढ़ाने वाली स्वदेशी जो चलेगी, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। आज मैन्युफैक्चरिंग की और मेड इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, वो बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वतंत्रता से पूर्व 1936 में 1938 में कर रहे हैं। यह उनकी दूरदृष्टि थी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इन सारे विविध विषय, भाषा को लेकर के, भाषा शास्त्र को लेकर के, उन्होंने जो तकनीकी भाषा परिषद का निर्माण जब हुआ भारत में, उस समय उन्होंने जो उसके लिए जो बात कही है, राष्ट्रगान के बारे में, वंदे मातरम के बारे में उनके विचार, जिस दिन संविधान सभा में यह निर्णय होना था कि राष्ट्रगान क्या होगा, विवाद चल रहा था, जनगणमन होना चाहिए या वंदे मातरम होना चाहिए, 350 में से बहुत बड़ा बहुमत या वंदे मातरम की तरफ था, केवल 5-6 लोग भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वंदे मातरम के भी पक्ष में और लोकतंत्र के नाते भी वंदे मातरम होना चाहिए उनका मानना था, किंतु उस समय का नेतृत्व, खास करके प्रधानमंत्री, नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम बने। और इसलिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा कि आज के दिन आप नहीं जाइए, संविधान सभा से छुट्टी ले लीजिए। वो छुट्टी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप कुछ मेडिकल लीव ऐसा ले लीजिए, ऐसा उनको कहा गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्पष्टता देखिए, और इतिहास में किसी को इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उपस्थिति के बारे में। केवल 2-4 बार ही वो अनुपस्थित रहे, और वंदे मातरम का निर्णय होने वाले दिन जब वो अनुपस्थित रहे तो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा, आई हैव बीन आस्क्ड नॉट टू अटेंड टुडेस सेशन। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं बीमार हूं, और क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस दिन वहां पर उपस्थित होते तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान होता।
हम कंफ्यूजन में नहीं होते कि एक राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रगान। ऐसी अनेक बातें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विराट व्यक्तित्व के बारे में है जिनके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, जिनके ऊपर लेखन होना चाहिए, जिनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। बहुत कम काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर हुआ है। हमने संस्थानों को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम दिए, हमने अनेक स्थानों से पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों की स्थापना की, किंतु बाबा साहेब अंबेडकर का अध्ययन, बाबा साहेब अंबेडकर का लेखन, बाबा साहेब अंबेडकर की विचार दृष्टि, बाबा साहेब अंबेडकर की एकेडमिक दृष्टि, बाबा साहेब अंबेडकर की रिसर्च दृष्टि, इसके ऊपर जितना वैचारिक कार्य होना चाहिए वह कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पहले भी शिक्षाविदों से भी और एनएचपीसी को कहूंगा कि ऐसी बातों को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को कहे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के ये अनेक तो पहलू है, उनके जीवन की अनेक बातें हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन करके और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जागतिक विराट व्यक्तित्व को सारे विश्व के सामने पुनः एक बार आलोकित करने का काम करने का संकल्प आज के दिन हम ले। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को हमेशा कहता हूं प्रतिदिन कम से कम 10 पृष्ठ पढ़ना और एक पृष्ठ लिखना प्रत्येक जीवित मनुष्य का कर्तव्य है। हम मनुष्य है क्योंकि हम विचारवान है, पशु में हमने यही भेद है, और यदि उस विचारों को लेकर के प्रतिदिन हम स्वाध्याय प्रतिदिन भोजन करते हैं ना, वैसे ही प्रतिदिन स्वाध्याय आवश्यक है। जैसे भोजन शरीर की आवश्यकता है वैसे स्वाध्याय या बुद्धि की आवश्यकता है, प्रार्थना या मन की आवश्यकता है। इसलिए भोजन प्रार्थना और स्वाध्याय ये तीनों जिसके जीवन में होते हैं वही मनुष्य है, और ये तीनों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से हम इन तीनों की प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए हम सब लोग ऐसे स्वाध्याय बने और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके साहित्य का अध्ययन करके हम उनके बारे में ऐसे अनेक अज्ञात तथ्यों को समाज के सामने लाए, इसका संकल्प यदि आज के दिन हम लेते हैं तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हम मनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस संकल्प का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आपके ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सीएमडी सर से आग्रह करूंगी कि वह कृपया आदरणीय मुख्य अतिथि धन्यवाद प्रियंका। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अभय कुमार सिंह जी, माननीय निदेशक तकनीकी एनएचपीसी श्री वाई के चौबे जी, माननीय निदेशक वित्त श्री आर पी गोयल जी और हमारे और अतिथिगण हैं श्री आनंद अग्रवाल जी, देवेंद्र पवार जी, सुनील शर्मा जी, आप सभी को और सभागार में उपस्थित एवं वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आदरणीय महिलाएं एवं साथियों, आप सभी को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में धन्यवाद भाषण देने का अवसर पाकर अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहा हूं। वैसे तो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय विशिष्ट अतिथि सर ने बाबा साहब के बहुत सारे पहलुओं पर अपने प्रकाश डाला है और उन्होंने कई अनछुए पहलुओं का भी जिक्र किया है, और जैसा कि कहा है कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को उनके जीवन के बारे में अध्ययन करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें कम से कम उनके जो संविधान सभा की
जो आखिरी बैठक थी उसमें जो उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिया था, कम से कम उसका भी अध्ययन अगर हम कर लें तो वही हमारे लिए बहुत कुछ होगा। तो मैं उनके जीवन पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, पहले मैं उनसे शुरुआत करता हूं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, हे विद्याधर ज्ञान के सागर विधि शास्त्र प्रवीण। जय भीम जय भीम, वंचित हित चिंतक हे संघर्षक दूर दृष्टि असीम। जय भीम जय भीम, संविधान रचेता दीन कहेता सर्जन सुख का प्रेम। जय भीम रहे संगठित शिक्षित बनकर करें संघर्ष फिर जीवन भर बात कीमती तीन। जय भीम जय भीमा और सतपाल का बेटा तूफानों से लोहा लेता हुआ पंच तत्व में लीन। जय भीम जय भीम, छीन सके ना कष्ट कांति बुद्ध शरण में मिली शांति अमर हो गया भीम। जय भीम जय भीम, मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और आगे मैं कहूंगा कि सोच के आधार पर मानव जाति को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है मैं नहीं तू ही, यह संतों की श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी है मैं भी और तू भी, यह लोकतांत्रिक श्रेणी है और जिसमें स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना है। और तीसरी श्रेणी है तू नहीं मैं ही, यही वह श्रेणी है जो अलोकतांत्रिक है या जिसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, या बुरे लोगों की श्रेणी है। और बाबा साहब का पूरा संघर्ष, जीवन भर संघर्ष जो है, इस तीसरी श्रेणी के लोगों से ही रहा है। उन्होंने जितना भी जो संघर्ष किया और जिसमें जितना भी उन्होंने उसके बाद जो प्राप्त किया, उस सबको वो पहली श्रेणी के लोगों के लिए कि अच्छे लोग हैं, और जिन लोगों ने उनके इस बाबा साहब को बाबा साहब बनने में योगदान दिया उस समय भी अच्छे लोग थे। तो मैं कहूंगा कि अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, उस युग में भी है अभी भी है। बहुत सारे लोग जो अच्छे लोगों के योगदान के बगैर कहीं यहाँ अपनी प्रगति नहीं कर सकते, बाबा साहब को भी वहां तक पहुंचाने में कुछ अच्छे लोगों ने योगदान दिया, मैं उनके लिए भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और आज भी जो अभी भी जो अच्छे लोग जो ऐसी प्रतिमा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, मैं उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और बाबा साहब के जैसे कि बहुत सारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि सर ने बहुत सारे प्रकाश उनके आखिरी भाषण पर भी डाला है, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अच्छे और बुरे होते हैं। अगर संविधान के कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखें और अधिक ईमानदार हमें बनने की आवश्यकता है। हम अगर ईमानदार रहेंगे, और यही नहीं है कि कुछ सिर्फ भ्रष्टाचार जो है सिर्फ धन से या पैसों का ही नहीं होता, हम नीतियों को सही तरह से अगर लागू नहीं करें तो वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार माना जाता है, वो उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार की गंध आती है। तो हम जितनी भी नीतियां बनती हैं, जो अच्छी नीतियां हैं, हम उनको अपने पूरी अच्छी नियत के साथ उनको लागू करें तो हमारे सभी समाज का जो है अच्छा उनका प्रगति हो सकती है, उनका उद्धार हो सकता है। मैं इसके साथ ही अपने आज के माननीय मुख्य अतिथि सर और का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर ऐसे विद्वान मुख्य अतिथि सर को यहाँ आने का अवसर दिया, और हमें उनके जो ओजस्वी और विचार जो हमें सुनने को मिले, बहुत प्रेरणादायक विचार हमको मिले। मैं अपने सभी अपने निदेशक अध्यक्ष निदेशक का भी और सभी हमारे जो आज के समारोह में उपस्थित हैं वेब लिंक के माध्यम से हमारे सभी जितने भी यहाँ आदरणीय देवियों और साथियों को सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, और इसी के साथ मैं धन्यवाद आप सबका। कार्यक्रम के समापन से पूर्व मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय हिंद भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा काविन उत्कल बंगा लिंग हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे राहे तब जय मंगलदायक जय हे भारत वाक्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भाई आगे आ जाओ।